पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को अपना हमारा वीडियो का टाइटल देखकर समझ आ गया होगा, हम अपने इस एपिसोड 7 ऑफ करंट एजुकेशनल सिनेरियो में इन 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहला है हमारे इसमें अम्मा मोदी स्कीम। अम्मा मोदी स्कीम आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा 9 जनवरी 2020 को लॉन्च की गई। कहां पर? इन चित्तौड़, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव या हमके जो एम ये था कि जितनी भी ऐसी मदर्स हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लाया करती हैं एंड दे वांट देयर चिल्ड्रंस टू गेट एजुकेटेड, तो उन सभी लोगों को आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगी जिससे कि उनके बच्चे फ्रॉम क्लास 1 टू 12 दे कैन स्टडी एंड गेट अ क्वालिटी एजुकेशन। और इसके अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही टाइप के स्कूल्स इंक्लूड किए गए थे। और अम्मा मोदी स्कीम जो थी ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के 9 फ्लैगशिप्स में से एक सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है। देखिए, हम दूसरी बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS। तो EMRS ये रेजिडेंशियल स्कूल्स बनवाए गए थे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं और दे आर नॉट एबल टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, तो मिडिल एंड हायर एजुकेशन दे विल गेट ऑफ क्वालिटी टू द ट्राइबल पीपल्स। तो इसके तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में ये स्कूल्स बनाए गए थे और इसके लिए एक आप बोल सकते हैं ऑटोनोमस सोसाइटी भी डेवलप की जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि NVS नवोदय विद्यालय समिति विच इज ऑल्सो ऑटोनोमस सोसाइटी, उसी तरीके से इनके लिए भी एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक सोसाइटी डेवलप की जाएगी विच विल प्रोवाइड दिस क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल ट्राइब पीपल्स। देखिए, थर्ड पार्ट इज फर्स्ट डिजिटल एग्जीबिशन ऑन इंडियन हेरिटेज। तो सबसे पहला डिजिटल एग्जीबिशन हमारे इंडिया में हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पाटिल के द्वारा 16 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया, जो कि एक महीने ओपन रहेगा फॉर द पब्लिक और जो खत्म होगा 15 फरवरी 2020 को। ओके, देखिए इसका जो मेन मोटो था, इसका मेन मोटो ये था कि जितनी भी हमारी हेरिटेज है, इंडियन हेरिटेज है, उन सभी को डिजिटली इंस्टॉल किया जाए। और ये इंडिया का पहला डिजिटल एग्जीबिशन एक्सपो है जिसमें जितनी भी हमारी डिजिटल जितनी भी हमारी हेरिटेज है, जैसे कि इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे कुछ हमारे इंडियन मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल है, सन टेम्पल है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है एंड अदर्स ऑल्सो, और उन सभी की ग्लोरी को यहाँ पर लोगों तक पहुंचाया जाए इसलिए इसको एग्जिबिट किया गया विच इज ओपन फॉर द पब्लिक फॉर 1 मंथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं असर की। असर 2019, असर 2019 इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन। देखिए, एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट 2019 में फोकस किया था ऑन द यंग चिल्ड्रन ऑफ एज 4 टू 8 इयर्स। ओके, तो इसके तहत
ये देखा गया कि जितने भी हमारे यंग चिल्ड्रन से ऑफ 4 to 8 ईयर्स, उन सब का क्या क्या उनका लर्निंग इंडिकेटर है ना, तो क्या क्या उनका डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या है, उसकी रेंज कितना डेवलप हुए हैं हमारे यंग चिल्ड्रन कितना। और दूसरी चीज उसमें देखा गया कि उनका कितना स्कूलिंग स्टेटस कैसा है उनका। तो दो बातें थी, स्कूलिंग स्टेटस एंड योर डेवलपमेंटल इंडिकेटर। तो इन दो चीजों को ऑफ द एज ग्रुप 4 to 8 ईयर्स इसके अंदर फोकस किया गया था। देखो नेक्स्ट है हमारा मप्पा वरप्पु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो दिया गया एमएस स्वामी नाथन को, जो कि फादर है ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इसलिए दिया गया था फॉर हिज एमिनेंट और डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ही इज अ वेरी गुड एमिनेंट साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना अहम योगदान दिया था। ओके एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन प्रोवाइडिंग द डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन गिविंग द एडवांसेस इन द एग्रीकल्चर फील्ड। ओके तो ये अवार्ड दिया गया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इन राजभवन इन चेन्नई। ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर करंट एजुकेशन सिनेरियो पार्ट 7। तो अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए एंड और लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.bwcampus.com। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।